नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने आगामी लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में उनकी, उसका उन्होंने ऐलान की है या मांग की है कह लीजिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटें चाहिए और बिहार में 2 लोकसभा सीटों पर। आपको बता दें, सुभाजपा चुनाव लड़ने की मूड में है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ और कहा ओम प्रकाश राजभर ने। ओपी राजभर को सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान, यूपी बिहार में इतनी सीटों पर किया दावा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस कार्यक्रम में हम पूरे परिवार और समर्थकों के साथ शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण मुख्य पार्टियों की नजर यूपी पर टिकी रहती है। पिछले 2 चुनावों से राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए शानदार प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी ने इस बार यूपी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बीच बीजेपी के सहयोगियों में शामिल सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 3 सीटों और बिहार में 2 सीटों पर सुभाजपा चुनाव लड़ेगी। सुभाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि परिवार और समर्थकों के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि दर्जनों जातियों के साथ अन्याय करने वाले आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि सुभाजपा ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बीते साल पार्टी ने एसपी का साथ छोड़ते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। अमित शाह से की थी मुलाकात। इसके बाद ओपी राजभर के योगी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर अटकलें लगती रही। करीब 10 दिन पहले ही राजभर ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह से उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित भर राजभर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव, शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मांगने पर चर्चा हुई।